भाजपा के प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार ने फतेहपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को पूरी तरह से फ्लॉप करा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय रैली में नाम मात्र की भीड़ इस बात का संकेत है कि कांग्रेस को लोग कितनी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं वो लोग टिकट लेकर पाकिस्तान चले जाएं, वहां उन्हें सबूत मिल जाएंगे। वहीं इस दौरान कृपाल परमार ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि इस बार भी चारों की चारों सीटें भाजपा की झोली में होंगी। कृपाल परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियां अब लोगों को पूरा फायदा दे रही है, जिस कारण लोगों ने 2019 के चुनाव में मोदी सरकार को दोबारा सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। बता दें कृपाल परमार ने इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अभी उन्हें राजनीति के दावपेच सीखने में समय लगाना चाहिए, न कि लोगों के बीच जाकर हंसी का पात्र बनना चाहिए। पिछले एक साल से पार्लियामेंट के चुनावों की तैयारी में लगी हुई है। हमने पहले त्रिदेव सम्मेलन किए थे, अब पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए हैं और पन्ना प्रमुख सम्मेलन का मतलब है कि प्रत्येक 30 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, और हम वोटर तक पहुंच चुके हैं। वोटर डलवाना बाकी है। जिस दिन भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, वो चाहे प्रथम फेस में हो चाहे अंतिम फेस में हो, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की पूरी तरह से तैयार है। और इस बार 4/4 का जो नारा हमने दिया है वो हम पूरा करेंगे, रिपीट करेंगे। जयराम जी की सरकार की उपलब्धियाँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियाँ, और अभी जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को उन्होंने कॉर्नर किया है, जिस तरीके से एक एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को, जो आतंकवादियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, वो हमारे देश में आतंकवादियों को भेज के पहले सुरक्षा बलों पे हमला करवाता था, फिर हम उनको मारते, पहले मरते थे फिर मारते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं उनके घर में घुस के मारूंगा, और ये साबित किया। आपको याद होगा कि जब लगभग 2 साल पहले भारतीय सेनाओं ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने टीवी पे आके कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को म्यांमार समझने की भूल ना करे। 2 बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में एयर स्ट्राइक करके ये बता दिया है कि जब भारत के प्रधानमंत्री में इच्छा शक्ति होगी तो वो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किनारे करेगा, कॉर्नर करेगा, और उग्रवादियों को वहाँ आके आने की बजाय उनके घर में घुस के मारेंगे, ऐसा करके दिखाया है। और देश की जनता जो है अब वो फैसला कर चुकी है कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उस रैली के बारे में मेरे से बेहतर तो आप लोग कह चुके हो, लिख चुके हो। उनकी रैली पूरे प्रदेश की रैली थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर आए थे, और जिस तरीके से मीडिया में फ़ोटो छप रही हैं और लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे फ्लॉप रैली जो है वो कांग्रेस की क्या किसी और पार्टी की भी नहीं हो सकती। रिपोर्ट पठन पहल का।